अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम लोग अली के राधे के किचन में दूध कुरमा। इसके लिए अच्छा, थोड़ा ड्राई फ्रूट है, ये इलायची और थोड़ा से जायफल है और सेवई है। और ये सेवई है, इसको भूनना पड़ेगा घी में। ड्राई फ्रूट, बादाम और काजू है खाली मेरे पास। और आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे डाल सकते हैं। ये इलायची है और थोड़ा से जायफल है। ये दूध को मैंने पहले से पकने के लिए रखी हूँ। अच्छी तरह पहले से रखी हूँ मैं दूध को। फिर इसको बारीक कूट के लेंगे हम लोग। एक चम्मच घी डालेंगे इसमें पैन में, पिघल जाएगा तो उसमें ये ड्राई फ्रूट डालेंगे। हल्का से फ्राई करेंगे इसको, हल्का कलर चेंज हुए तक। ये हो गया है, इसको निकालेंगे। इसी में थोड़ा एक चम्मच और घी डालेंगे। सेवई डाल के इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन हुए तक फ्राई करना है इसको। अच्छे से घुमा घुमा के फ्राई करना है इसको। सेवई अच्छा फ्राई होंगी ना, अच्छी खुशबू आती है इसमें। ऐसा तो पहले से भुनेली रहती है सेवई, थोड़ा और भुनना चाहिए हम लोग को घी में। एक कलर चेंज हुआ है हमारा सेवई का। ये भी निकालेंगे इसको। ये हो गई है अभी लगभग, इसको निकालेंगे प्लेट में। इसमें डालेंगे शक्कर, दूध में अपने हिसाब से डालना जितनी आप लोग को चाहिए। इसको अच्छे से पकने देना। और थोड़ा 1 लीटर दूध का बना रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं है। इसमें डालेंगे सेवई। फिर ये ड्राई फ्रूट डालेंगे। इलायची और जायफल पीस के रखे ना, वो डालेंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे। ये सब डालने के बाद 1-10 मिनट स्लो आंच पे इसको पकने देने का अच्छे से, तो अच्छा इसका स्वाद आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। 1-10 मिनट पकने देना इसको स्लो आंच पे। हो गया तैयार। सिंपल तरीके से मैंने बनाई हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर ज़रूर ट्राई करना आप लोग। और मैं बनाई हूँ ये दादा, अली के दादा के लिए, इनको खाना था अभी। कभी भी बीच में बना सकते हैं, हम लोग बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।